नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सौंफ के फ़ायदे बताऊंगी। सौंफ खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कौन कौन से जो है बीमारियां दूर भाग जाती है सौंफ खाने से, ये भी बताऊंगी। सौंफ भारत की एक प्रसिद्ध खाद्य योजक है, जिसका प्रयोग न केवल भोजन में किया जाता है, औषधि रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके कई विशेष गुण हैं। सौंफ को इंग्लिश में फिनेल सीड कहते हैं। यह जो है फेनिक्यूलियम विनेगर पौधे के बीज होते हैं। सौंफ सुगंधित, स्वादिष्ट और सूखे बीज होते हैं। इसका स्वाद जो है वो शानदार होता है। अक्सर भारतीय खाना पकाने में इसका उपयोग करते हैं। चलिए अब और भी इसके फायदे जानते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आयुर्वेदिक गुण। सौंफ का स्वाद मधुर होता है, कटु होता है और तिक्त होता है। इसके गुण लघु और स्निग्ध होते हैं। ये शीत होती है। त्रिदोष कर्म शामन करने में, मतलब वात पित्त और कफ को कम करने में ये फायदेमंद होती है। आयुर्वेद के अनुसार औषध के रूप में सौंफ का उपयोग किया जाता है, जो सभी तीनों दोष, मतलब वात पित्त और कफ को कम कर देता है। इसका स्वाद मीठा, कसीला और कड़वा हो सकता है। शरीर पर सौंफ का शीतल प्रभाव पड़ता है। इसके पत्ते मुख में मीठा और कड़वा स्वाद देते हैं। आयुर्वेद को सौंफ को न पकाने की सलाह आयुर्वेद देता है। पकाने से सौंफ के गुण मर जाते हैं, इसके लिए इसे भिगोकर प्रयोग कराया जाता है। यह शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। औषधीय कर्म। जैसे कि आपको पता है कि ये पाचन शक्ति बढ़ाने वाली होती है, बुद्धिवर्धक होती है, दृष्टिवर्धक होती है, हृदय को, मतलब दिल को ताकत देने वाली होती है, रक्त प्रसादक होती है, रक्त परिसंचर क्रिया बढ़ाने वाली होती है, कफ निसारक होती है, मतलब आपको कफ हो गया हो तो ये कफ को बाहर निकालने वाली होती है, जलन कम करने वाली होती है। बहुत सारे विषाणु विरोधी, जीवाणु विरोधी गुण इसमें होते हैं। सौंफ के बीज पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं, ऐंठन कम करते हैं, गैस को बाहर निकालते हैं और दर्द से भी राहत देते हैं। सौंफ के बीजों का प्रयोग बहुत सारे रोगों और लक्षणों में किया जाता है। पेट दर्द, पेट में ऐंठन, शिशु के पेट में ऐंठन, अधिक प्यास लगना, गैस, पेट फूलना, भूख में कमी, खट्टी डगार, अरुचि, मस्तक और नस इंद्रियों में कमजोरी, दिल की कमजोरी, ऐसे बहुत सारे जो है रोगों को निदान करने के लिए इसे उपयोग किया जाता है। सौंफ खाने के लाभ और प्रयोग। सौंफ के बीज मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं के लिए उपयोग किया जाता है। श्वसन संबंधी रोगों में ये मदद करता है। पेट में ऐंठन, पेट की दर्द से छुटकारा, इसके लिए ये लाभकारी होते हैं। आंत, लीवर, मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे और गर्भाशय में इसके जो लाभ दिखाई देते हैं। सौंफ जो है गैस बनने से रोकती है, वजन घटाने में, अपचन, कैंसर और उम्र बढ़ने में जो मदद करने वाले जो हमारे सेल्स होते हैं उन्हें ये रोकने के लिए सहायक सिद्ध होती है। शारीरिक बल बढ़ाती है, व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करती है। सौंफ के और भी कई स्वास्थ्य लाभ हैं। पोषक तत्व, खनिज और विटामिन सौंफ में होते हैं। सौंफ के बीजों का उपयोग अपचन, अतिसार, शूल, श्वसन संबंधी बीमारियों में किया जाता है। यह आँख की समस्याओं के लिए भी फायदेमंद होती है। पेट में अगर सूजन हो तो ये एक उत्तम औषधि है। जठर शोथ के अच्छे परिणाम के लिए सौंफ का प्रयोग आंवला चूर्ण, मुरलेटी चूर्ण और धलिया के बीजों के चूर्ण के साथ किया जाता है। इन सभी जड़ी बूटियों को बराबर अनुपात में मिलाकर इसे खुराक भोजन के बीच में एक दो बार एक चम्मच खाना चाहिए। इस तरह से जो है आपकी पेट की सूजन कम हो जाएगी। अगर आपको अत्यधिक प्यास लगती है तो इलायची के बीज के समान सौंफ तृष्णा, मतलब प्यास को कम करने में उसकी एक गुण होती है। अत्यधिक प्यास को कम करने के लिए फायदेमंद होती है। इसके बीज चूर्ण को शक्कर में या मिश्री में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। प्यास कम करने के लिए सौंफ का अर्क, सौंफ के पानी या सौंफ की चाय बनाकर भी आप पी सकते हैं। वजन घटना। सौंफ चयापचय क्रिया को बढ़ाती है। सौंफ वसा चयापचय को बढ़ा देता है। अतिरिक्त चर्बी का संचय से ये बचाती है। यह आपके वजन कम करने में मददगार साबित होती है। कुछ लोग सौंफ को भूख मारक कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद के अनुसार सौंफ भूख को कम नहीं करती या दबाती भी नहीं है, बल्कि यह भूख को सामान्य रखकर पाचन क्रिया को सुधारती है और आपको जो है एक अच्छी आपकी भूख में वृद्धि भी करती है। प्राकृतिक रूप में आपकी भूख को यह रखती है जैसा कि यह होना चाहिए। आपको आपके भूख पर अच्छा नियंत्रण प्राप्त करने में ये मदद करती है।
सामान्य जुकाम में सौंफ ठंड को समाप्त करती है। सौंफ के बीज अल्फा पिनन और क्रोएसोल होते हैं जो सीने की जकड़न को कम करते हैं और खांसी को ठीक कर देते हैं। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, उबले हुए सौंफ के बीज और पत्तियों को सूंघने से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में राहत मिलती है। गले में खराश, सौंफ के बीज ग्रथनी शोधक और गले में खराश या साइनस की समस्या के लिए अच्छे होते हैं। सांप का काटना, सांप के काटने में सौंफ का पाउडर बनाकर पुल्टिस की तरह प्रयोग किया जा सकता है। तापघात मतलब हार्ट स्ट्रोक के मामले में रात भर पानी में मुट्ठी भर सौंफ भिगो कर रख दें और सुबह नमक के साथ, एक चुटकी नमक के साथ इसे पानी के साथ ले लीजिए, हार्ट स्ट्रोक में आपको आराम मिलेगा। उम्र बढ़ने और कैंसर को ये रोकता है। सौंफ में कोलिस्टीन और कैम्फेरोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर में जहरीले कणों को हटाते हैं और कैंसर और अन्य रोगों को और उम्र बढ़ने से ये रोकते हैं। शरीर की त्वचा एक व्यक्ति की उम्र बताती है। सौंफ के बीजों में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को साफ और युवा रखने में मदद करता है। सौंफ जो है पाचन में मदद करता है। सौंफ के बीज आहार फाइबर एक समृद्ध स्रोत होता है। हमारे शरीर में पेट की बेहतर कार्य के लिए ये मदद करता है। हमारे शरीर में अतुलग्नशील फाइबर की आवश्यकता होती है। यह कब्ज़ नहीं होने देता। कब्ज़ हुई हो तो ये इलाज के लिए उत्तम औषधि सौंफ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर पित्त लवण से बंधित होते हैं। इसे प्रणाली में अवशोषित होने से ये रोकती है। कोलेस्ट्रॉल द्वारा निर्मित पित्त लवण शरीर के हानिकारक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। सौंफ का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखा जा सकता है। यह एक वमन विरोधी है, पेट साफ करने वाली है, यकृत विकार को दूर रखने वाली बूटी है। इसलिए आपको सौंफ ज़रूर खानी चाहिए। खनिज विटामिन और तेल का इसमें अच्छा स्रोत होता है। इसमें लोहा, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सिलिसियम एक अच्छा स्रोत होता है। मानव के शरीर में उचित कामकाज के लिए इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सौंफ में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का भंडार होता है। यह सभी विटामिन इन बीजों के संग्रहित रूप में होते हैं। इनमें आवश्यक तेल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। यह तेल वायुनाशी गुण होते हैं। पेट के लिए ये बेहतर कामकाज करते हैं। तेल, सौंफ का तेल मांसपेशियों के दर्द को राहत दिलाता है। इसलिए विशेष रूप से आयुर्वेद में इसका उपयोग मालिश के मिश्रणों में किया जाता है। यह नसों को शांत करता है और मानसिक स्पष्टता देने में बढ़ावा देता है। शीतलक के रूप में ये काम करता है। सौंफ के बीज में ये गुण होते हैं जो शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। आमतौर पर लोग झुलसा देने वाली गर्मी के दौरान राहत पाने के लिए सौंफ के बीजों का पेय सेवन करते हैं। मतलब सौंफ के बीजों से जो है शरबत बनता है, उसे वो पीते हैं। सौंफ की तेल से मालिश, सौंफ के तेल से मसाज तेल में प्रयोग किया जाता है जो शरीर का शोधन करने में मदद मिलती है। इस मालिश के कारण शरीर में विषैले पदार्थ कम होते हैं जो गठिया, प्रतिरोधक क्षमता विकार, एलर्जी जैसी स्थितियाँ पैदा कर देते हैं। सौंफ का पानी, नीचे दी गई में विधि से आपको सौंफ का पानी बनाना है और आपको वो पी सकते हैं। आपको इससे बहुत लाभ होंगे। 5 चम्मच सौंफ के बीज में 1 कप पानी 2 घंटे तक भिगो कर रखिए। इन बीजों को निचोड़ लीजिए, मतलब पानी को छान लीजिए और जो है सौंफ के बीजों को बारीक पीस लीजिए। निचोड़े हुए पानी को इसमें मिला दीजिए, 3 घंटे तक रख दीजिए। इसमें जो है सभी सौंफ के आवश्यक गुण अवशोषित हो जाएंगे। मतलब आपको जो है सौंफ भिगो कर रखना है और फिर वो पानी छान लेना है और सौंफ को पेस्ट बना लेनी है और फिर से वो पानी और सौंफ एकत्रित कर लेना है। अब इस मिश्रण को जो है फिर से निचोड़ लेना है, मतलब कि अच्छी तरीके से छान लेना है और सौंफ के पानी से सौंफ के पेस्ट को अलग कर लेना है। इसे आप सौंफ का पानी कह सकते हैं। ये सौंफ के बीज का पानी फ्रिज में ठंडा करके रखिए और इसे ठंडा ही पीने के लिए कहिए। आवश्यक हो तो आप इसमें शक्कर मिला सकते हैं। इस तरह से आप सौंफ का पानी बनाकर पी सकते हैं। सौंफ की चाय, सौंफ की चाय जो है उसका सेवन करने से गले की खराश और जठर संबंधी परेशानी में राहत मिलती है। सौंफ की चाय नियमित रूप से पीने से शरीर का शोधन करने में मदद मिलती है। आपको मैं बताती हूँ कि सौंफ की चाय कैसे बनाती है। सौंफ के बीजों को मोटा मोटा कूट लें, पानी में उबाल लें और सौंफ का पाउडर मिला दें पानी उबलने पर, और फिर ढक्कन कर इसे एक ढक्कन पर करके रख दें। आँच बंद कर दें। 5 मिनट तक सौंफ की चाय जो है, 5 मिनट बाद आपकी सौंफ की चाय को छान लीजिए। शहद या गुड़ मिलाकर आप ये गर्मा गर्म चाय पी सकते हैं। बहुत ही सौंफ खाने से दिमाग की पावर भी बढ़ती है। फिनेल मतलब सोल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट आपके ब्रेन में पाए जाने वाली तंत्रिकाओं कनेक्शन को समन्वय बनाता है और आपके दिमाग के फंक्शन और शक्ति को अच्छा करने में सहायक होता है। सौंफ आपकी रक्तवाहिका को आगे आकर जो है आगे बढ़ाता है। दिमाग
तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व ले जाने में हेल्प करता है। आपकी मेमोरी, तर्क शक्ति, दिमाग की शक्ति और उसके सभी कार्य बेहतर बनाता है। स्टूडेंट्स और बूढ़े लोगों को इसका सेवन काफ़ी फायदेमंद रहता है। इतना ही नहीं, रोज़ाना दो से तीन बार एक एक चम्मच सौंफ खाने से, मिश्री खाने से तनाव, टेंशन, मानसिक चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन भी कम होता है। श्वसन संबंधी प्रॉब्लम को ठीक करें। सौंफ में पाए जाने वाले वेल सिलिकॉन और एंटिनोल में एक्सपोरेंटेंट गुण होते हैं, जिसके कारण फिनेल का इस्तेमाल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे कफ, बलगम, छाती फूटना, अस्थमा जैसे कई प्रॉब्लम के निवारण के लिए किया जाता है। सौंफ के जो बीज होते हैं उनका मतलब सौंफ खाने से नियमित रूप से शरीर में कफ की कमी हो जाती है। सौंफ के पानी से सेवन करने से, गरारे करने से आपकी गले संबंधी प्रॉब्लम जैसे आपकी आवाज़ का भारीपन, गला खराब होना से शिकायत भी दूर हो जाती है। सौंफ खाने से कैंसर से बचने में आसान उपाय है। फिनेल सीड मतलब सौंफ में एक्सट्रैक्ट में कैंसर से बचाव करने वाली शक्तिशाली गुण पाए जाते हैं। यह गुण कैंसर की वृद्धि को रोकते हैं। साथ ही सौंफ में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स और एक्लिनॉइड्स और फेनॉइल्स कैंसर को रोगी को कीमोथेरेपी और रेडिएशन से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। ये कैंसर से होने वाली पीड़ा और सीओज को कम करने में भी मदद करते हैं। दिल को रखे स्वस्थ। जी हाँ, सौंफ में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है। खून में LDL यानी ब्लड बैड बुरे कोलेस्ट्रॉल होने से आपके दिल में रोग और स्ट्रोक हो सकते हैं, जिससे आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप नियमित रूप से सौंफ खाकर या फिर इसका पानी पीकर अपने दिल को स्वस्थ बना सकते हैं। सौंफ मतलब फिनेल केवल कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करती है, आपके बीपी को भी कम करने, आपके हार्ट को सुरक्षित रखने में मदद करती है। सौंफ में पाया जाने वाला पोटेशियम आपकी रक्तवाहिका को रिलैक्स करने में, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। डेली 3 से 4 बार सौंफ की चाय पीने से आपका हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। ये उनके लिए अच्छा है जो ब्लड प्रेशर के कारण अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं रख पाते हैं। एनीमिया का प्राकृतिक उपचार। जिन लोगों को खून की कमी के कारण थकान, कमजोरी, चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम होती है, वो लोग नियमित रूप से फिनेल सीड का यानी सौंफ का सेवन करके अपनी खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसका कारण है कि सौंफ में आयरन और हाइड्रेट एमिनो एसिड पाया जाता है। आयरन आपके होमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है, वही हिस्टिडिन होमोग्लोबिन को बनाने की प्रक्रिया को तेज़ करता है। साथ ही ब्लड को दूसरे घातक रोगों से भी दूर रखने के लिए मदद करता है। इतना ही नहीं, सौंफ को ब्लड में साफ करने के बेलगुण भी होते हैं। सौंफ और गुड़ रोज़ाना खाने से एनीमिया में काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इसलिए जो है सौंफ आपके ब्लड प्यूरीफायर मतलब ब्लड साफ करने में, ब्लड प्यूरीफाई करने में मदद, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी आप सौंफ खा सकते हैं। बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। सौंफ में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। ये विटामिन आपकी रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और कई प्रकार के डिजीज और संक्रमण से बचाता है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, जो आपकी स्किन की रंग को यंग रखता है। मतलब फ्री रेडिकल्स के कारण शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने, आपके कई बीमारियों से बचाने के लिए भी हेल्प करता है। पेट की प्रॉब्लम को दूर करें। पेट की समस्या जैसे बदहजमी, पेट गैस, फूलना, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, लीवर की कमजोरी, गैस्ट्रोसिस, आंत की प्रॉब्लम, पेट में मरोड़ उठना, अलावा जैसी बहुत सी दूसरी पेट की प्रॉब्लम को सौंफ खाने से और सौंफ का पानी पीने से दूर किया जा सकता है। रोज़ाना दिन में 3-4 बार एक टीस्पून सौंफ खाने से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। ऐसा करने से कॉन्स्टिपेशन से भी बचाव होता है। इसमें पाए जाने वाला फाइबर आपके जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि आपको खाना खाते समय भारीपन लगे, भूख कम लगे, सर दर्द हो, उल्टी जैसा हो, पेट डर हो, खाना ठीक से ना पच रहा हो, तो सौंफ खाइए और इन सभी लक्षणों से मुक्ति पाइए। अपचन, बदहजमी, इसके लिए भी आपके लिए ये फायदेमंद रहता है। इसमें पाए जाने वाले ऑयल्स आपके इसमें जो है सौंफ में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, वो आपके लिए पोषक होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अब जानते हैं आईज मतलब आपकी आंखों के लिए किस तरह से स्वस्थ बनाया सकता है। सौंफ में बहुत से गुण होते हैं जो आपकी अच्छे आपके आँखों के लिए अच्छे हो सकते हैं। ये एक अच्छा आई फूड होता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आँखों की एजिंग में होने वाले नुकसान को बचाते हैं। सौंफ में जो पाया जाने वाला एमिनो एसिड्स आपकी आईज की सुरक्षा के लिए रिजोइनमेंट का मदद करता है। फिनेल मतलब
सौंफ में पाए जाने वाले मिनरल्स और दूसरे पोषक तत्वों की वजह से आँखों की कई बीमारियाँ ठीक होने में मददगार साबित होते हैं। आइज में कंजुटिवाइसिस होने पर आँख लाल हो जाती है, उसमें सूजन और दर्द और इन्फेक्शन हो जाता है। यदि आप सौंफ के सीड्स पानी में बॉईल करके और ठंडा होने पर उस पानी से अपनी आँखें धोते हैं तो इन्फेक्शन, दर्द, सूजन काफ़ी आराम मिलता है। मोतियाबिंद यानी मोतिया की प्रॉब्लम में रोज़ाना 5 ग्राम सौंफ खाना फ़ायदेमंद होता है। सौंफ के पानी में रोज़ाना आइज धोने से मतलब आँखें धोने से कई रोग और बीमारियाँ दूर रखने, वज़न घटाने के लिए भी सौंफ असरदार होती है। यदि आप मोटे हैं, वज़न कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो सौंफ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इसमें पाए जाने वाले भूख को कंट्रोल करने वाले गुण होते हैं, जो आपकी भूख को कम करने में और आपकी अधिक कैलोरीज का सेवन करने से भी ये रोकते हैं। साथ में फिनल में पाए जाने वाला फाइबर आपको फुल रखकर वज़न कम करने में हेल्प करता है। वज़न ज़्यादा होने पर आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है सौंफ के पानी पीने की सलाह देते हैं। पानी पीने से भूख कम लगती है, मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, फैट बर्न होने लगता है। ये पानी लीवर में फैट जमा होने से भी ये रोकता है। ये नींद की कमी को भी ठीक कर देता है, अच्छी नींद लेने में मदद करता है। नींद की कमी में मोटापे के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा ये पानी शरीर के जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपको इस पानी का सेवन करना है। 1 लीटर पानी में 2 से 3 टेबलस्पून फिनेल सीड्स मतलब सौंफ डालने हैं। कुछ देर बाद आपको इसे बॉईल करते रहना है। अच्छे से उबल जाने पर ढककर गैस बंद कर दीजिए और ढककर इसे रख दीजिए। ठंडा हो जाने पर इसे छान लीजिए। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका यह है कि 1 लीटर पानी में 2 से 3 चम्मच फिनेल सीड्स मतलब सौंफ डालकर पूरी रात भर भिगोकर छोड़ दीजिए। सुबह इस पानी को छान लीजिए। आपको जो है इसे पूरे दिन भर में 1 से 2 गिलास ही पानी पीना है और बाद में आप इसे 4 से 5 गिलास भी ये पानी पी सकते हैं। ये उपाय जो है प्रेगनेंसी की जो औरतें हैं उनके लिए ही नहीं है, आप ये उपाय ना करें। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका वज़न बढ़ गया है मोटापे के कारण, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनको वज़न कम करने में लिए और भूख कम करने के लिए ये पानी उपयोगी रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।